अच्छा यार, मैंने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें लोगों का कहना था कि यार ये वाली वीडियो ना दोबारा होनी चाहिए। यार वैसे भी ना आज कुछ मिल नहीं था रहा करने को, मैंने कहा यार ये वाली वीडियो बना देते हैं। यार आपको होम टूर करवाया था लेकिन वो ना सही से हुआ नहीं था, तो मैंने भी कहा यार एवं मिल नहीं होना, चलो वीडियो बना ही देते हैं आपकी। शिमला मिर्चे लो, सब्जी लो, यार बंदा कैसे वीडियो बनाए। खैर यार सबको वेलकम होगा मेरे न्यू ब्लॉग में, और जुमा मुबारक सबको। फिलहाल तो मैं सबसे ऊपर वाले छत पे हूँ, लेकिन अभी जाके आपको ना अपने रूम से मैं टूर शुरू करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपना रूम दिखाता हूँ चंगड़ो वाला जो है। अच्छा तो यार सबसे पहले मैं अपने कमरे में आ गया हूँ। ये मेरी हालत जनाब देख लें, मेरी शर्टें जो भी पहनता हूँ, जो भी कुछ चीज उतारता हूँ, पहली तो बात यहाँ पे रख देता हूँ, और दूसरी बेड की हालत देख लें, और ये वाला मेरा कमरा देख लें फुल्ला। और इधर वो नहीं है सिर्फ मेरा, मतलब कि जिसको कहते हैं लंडा मैंने लगाया हुआ, मैंने इधर भी लंडा लगाया हुआ है, और इसकी वजह से मेरी बड़ी होती है सुबह शाम के। तुम क्या जो भी पहनते हो एक बार पहन के यहाँ पे रख देते हो। तो खैर ये मेरा बेड की भी हालत सेम ही है, ये नहीं कि उधर की हालत ऐसी है तो इधर की हालत कुछ ठीक होगी, सारी हालत मैंने ऐसी रखी हुई है चंगड़ों की तरह खुद। खैर छोड़ो यार, ये वाला कमरा तो आप देखते ही रहते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरे रूम और किचन। ये वाला रूम है मेरा, इससे निकले एक साथ और रूम है, और ये साथ किचन है। पहले इस रूम का मैं आपको बता दूं, इसमें असल में पड़ा होता है हमारा ओवन वगैरह पड़ा होता है, मशीनें कपड़े धोने वाली, सीडी वगैरह। यहाँ पे भी अगर किसी ने सोना हो, एक आधा बंदा यहाँ पे भी सो ही रहता है। ये बस ऐसे पड़ा हुआ है, इसका भी इतना काम तो नहीं है। खैर उसके बाद मेन चीज, जो सबसे मेन चीज है ना मेरे लिए, दो चीजें हैं, रूम और मेरा किचन। ये है मेरा वी आई सी, छोटा सा किचन है यार देख ले, बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा किचन है। तो देख लो मैंने कैसे करके रखा हुआ है, आपके भाई ने दो दो तीन तीन आनी ये बनानी होती हैं, घर वाले भी साथ कभी कभार बनाते हैं। ये देख लो कल परसों के थोड़े से पकौड़े भी पड़े हुए हैं। ये वाला हाल है हमारा, ये अक्सर आप देखते हैं। और ये ना पहले सिंगल हुआ करती थी, यहाँ पे हमारा एक रोशनदान था, वो अभी हमने जब ये डबल स्टोरी बनाई है दो तीन साल पहले, तो उसके बाद हमने यहाँ से ये रोशनदान था जो वाला, ये वाला बंद किया। उसके बाद एक मेन कमरा आता है हमारा बड़ा सबसे, ये वाला जो कमरा होता था पहले, मैं इधर ही होता था जब मैं स्टडी करता था, स्कूल जाया करता था तब मैं इधर ही हुआ करता था। ये वाला बेड मेरा होता था, वो वाला घर वालों का, यहाँ पे टीवी वगैरह एलसीडी, घर वाले सारे यहाँ पे रोज अफ्तार करते हैं। तो इस कमरे से अब हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है। इसके बाद जनाब आते हैं ऊपर। वैसे जब देखा जाए ना यार, ऊपर का भी जो है ना वो सेम ही है, जैसे ये कमरे हैं वैसे सेम है, बस ऊपर थोड़ी सी लेंथ बड़ी है कमरों की। ये वाले सेकंड वाले पोर्शन प्यार हो, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आए हुए हैं कुरान पाक का सबक, तो उनको बोलूंगा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, मैं मट्ठा मट्ठा पढ़ो, थोड़ा मट्ठा मट्ठा पढ़ो, दोस्तों पढ़ ले पढ़ लेगा पढ़ लो। चौक टिक टाक नहीं बना रहा। अच्छा तो यार ये ना हमारा वॉशरूम है, बड़ा है काफी, इसके अंदर भी इन लकड़ियां पड़ी हुई हैं। तो उसके बाद एक रूम ये है, ये भी बस है, सामान ही इसके अभी अंदर पड़ा हुआ है, वैसे इसको इतना मतलब यूज नहीं करते इसको भी। अच्छा तो यार ये वाला किचन है एक ऊपर का, मट्ठा पड़ो थोड़ा जहा। ये वाला किचन है ऊपर वाला, जो नीचे वाला है वो तो बिल्कुल छोटा है, लेकिन ये भी हमने खुद ही बड़ा तैयार करवाया है। इस पे भी काम हो रहा है, कुछ दिन तक ये ईद तक ना रेडी हो जाएगा सारा, ये सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है गंद बंद निकालेंगे। सेम यही चीज है, इसके ऊपर एक वो टाइप है, उसको क्या कमरा नहीं है वो पाड़ा, ये टेरेस है बाहर, उसके बाद भी सीढ़ी है ऊपर। इधर भी ज्यादातर यही है, यूपीएस का सामान पड़ा हुआ है, दूसरा पड़ा हुआ है, कचरा ही पड़ा हुआ है यार, गंद ही ज्यादातर पड़ा हुआ है इधर। इसके ऊपर फिर यही है, छत है, धूप है, पानी की टंकी है, और एक छत ऊपर है, वो तो आप देख ही हो गए, वो भी दिखाने की जरूरत है आपको। अब मुझसे ना ऊपर जाने नहीं होता, रोजा भी है यार, सीधी सी बात है। आपको मैं बाहर से एक बार दिखा देता हूँ पूरा मुकम्मल, बाहर से भी और छत से भी खड़ा हो गए यार। वैसे ना हमारे सारे जो चाचू के घर है ना, वो सारे एक साथ ही हैं, तो ये इधर से हमारा घर देख लें, ये वाला सामने नजर आ रहा है, ये छोटे कजनों का जो है ना वैस लोगों का, और ये भी जिधर खड़ा हूँ ये भी मेरे एक चाचू है उनका घर है। तो अब ये वाली लोकेशन भी मैंने आपको दिखा दिया, एक रह गया वो भी नीचे से जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार अभी मैं नीचे मेन गेट पे आ गया हूँ, दो दरवाजे हैं, एक ये वाला है और एक वो वाला है, और यहाँ से हमारा घर आप देख लें, ये कुछ ऐसा नजर आता है, क्योंकि ये ना फ्रंट पे हमारा मतलब जो होती है ना गली, उस पे नहीं है, थोड़ा सा हटके है, ये गली है एक, तो उसके अंदर जाके पीछे बैक है, फ्रंट पे चाचू लोगों का आता है, उसके बाद फिर हमारा है, उसके बाद भी पीछे चाचू लोगों का, वैस लोगों का, वो भी गली के मतलब गली जाती है उसको, फिर उसके बाद ऐसे आता है। अच्छा तो यार हो गया होम टूर, उम्मीद है आपको पसंद। ये भी नहीं आएगा, खैर यार नहीं आएगा तो क्या करें, अब फिर दे देंगे एक और यार, अब चेंज कर लें, सबसे पहले फिर मिलते हैं आपको। वैसे भी यार मैं समझ नहीं आती कि पता नहीं कपड़े मैं थोड़ किस चीज की पहनती है। खैर यार टांग देने आगे, फिर अगले जुम्मे फिर पा लेंगे, बल्कि ईद से भी यार पा के गुजारा कर लेंगे। तो उनको शर्ट यार ढूंढ लिया, कि पावे ट्रोजर देते।
ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਆਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਰਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥੀ ਮੈਨੇ ਦਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਥੀ ਤੋ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਤੇ ਐਸਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਸਪਰੇ ਲਗਾ ਲੈਤੇ ਹੈ ਅਸਲ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਰ ਆਪ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਅੱਜ ਬਤਾਨੇ ਲਗਾਉਂ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਸਪਰੇ ਪੜੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜਾ ਹੋਗਾ ਸਭ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸਕੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅਬ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਏਅਰ ਫ੍ਰੈਸ਼ਨਰ ਪੜਾ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੂਗਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਤੋ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਇਹ ਰੱਖੋ ਯਤਰ ਪੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਤਾ ਹੂੰ ਅਬ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੋ ਬੰਦਾ ਗੈਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕੌਣ ਸੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤیں آپ کو میں نے ہی بتانی ہیں کسی اور نے بتانی ہیں अच्छा तो यार अब पता है क्या मैंने ना कोई दो तीन हफ्ते पहले कपड़े दिए हुए थे दर्जी को सिलवाने के लिए यार मुझे तो याद ही नहीं है आज घर वालों ने जब किया ना मेरी फिर याद आया खैर यार अब चलते हैं अपने कपड़े लेने हाँ जी किधर तुसी भी चल बह जा की याद करेंदा तुम ही आ गया हूं कोई और रहंदा जिथे उन भी लाया वो कोई और रह तो नहीं गया उन भी बुला लो मेरे जेन चीक नहीं सी रहा है फिर आज घर ने याद कराया कपड़े दिते मैं चलो पता कर लेने ते रमजान दी वक्त की रेस्ट कर रहे हो इस टाइम एडा कपड़ा बचिया हो जे अच्छा ठीक है जी मेहरबानी तो यार कपड़े हमारे सिल के आ गए हैं अब चेक करें पहन के या बाद में करेंगे चेक करो यार ये कपड़ा भी बच गया साथ में ये तो मेरे दो मेरे बन जाने थे यार वैसे बड़े यार कोई अच्छा दर्दी था जिसने वापस कपड़ा दे दिया वरना दर्दी तो देते ही नहीं है खैर ये है हमारा दूसरा सूट पहले एक जो भी उतारा है मैंने कुछ देर पहले जुमा पढ़ने के लिए और ये दूसरा जनाब घर वालों ने जबरदस्ती मुझे लेके दिया मैंने कहा यार सिलवाई देते हैं खैर तो खैर यार इस ब्लॉग को यहीं पे कर रहा हूँ मैं एंड और आपको बताता चलूँ यार आज ना एक Q&A ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं टिकटॉक पे आज यार कोई इफ्तारी नहीं कोई कुछ नहीं यार जिसने ब्लॉग देखना है Q&A वो आज टिकटॉक पे सही है आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़।